सत श्री अकाल एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज हम बनाते हैं परवल की मिठाई। आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। आप परवल ले लीजिए, उसको साफ करके छील लीजिए, फिर बीच में से उसका गूदा निकाल लीजिए। अब आप एक पतीले में पानी रख दीजिए, जब बॉयल आ जाए तब आप इसमें 10 मिनट के लिए परवल को उबाल लीजिए। जब 10 मिनट हो जाए तो गैस बंद कर दीजिए। अब आप चाशनी के लिए चीनी ले लीजिए, इसको एक पतीले में डाल दीजिए। अब इसमें आप पानी डालकर इसकी चाशनी बना लीजिए। जब चाशनी में अच्छे से बॉयल आ जाए तो आप इसमें परवल डाल दीजिए और उसको पकने दीजिए। जब चाशनी आधी रह जाए और परवल पक जाए तो आप गैस बंद कर दीजिए और परवल को एक प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लीजिए। अब आप मावा ले लीजिए, उसमें पीसी चीनी मिला लीजिए। मावा की रेसिपी मेरे चैनल पे है, आप देख सकती हैं। अब आप इसमें अपने मन का कोई भी ड्राई फ्रूट डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जब परवल ठंडे हो जाएं तो आप मावा वाली फिलिंग इसमें भर दीजिए और इसको फ्रिज में रख कर ठंडा कर लीजिए। अब परवल की मिठाई बनकर तैयार है। आप मेरे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। प्लीज़ प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।